ये देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम की चटनी। आम, पुदीना, प्याज, मिर्ची, यह है पहाड़ी डिश। इसकी चटनी बना रही हूँ। इसकी चटनी बड़ी टेस्टी होती है। ये देखो दोस्तों, मेरी फर्स्ट क्लास चटनी बन चुकी है, एकदम रेडी हो चुकी है। देखो कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत टेस्टी होती है ये। हेलो हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार, छोटू को मेरा प्यार। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ, हमने वो खीरे के पेड़ और लौकी के पेड़ लगा रखे ना, उन पे फूल आ चुका है। ठंगर, हमारे पहाड़ी भाषा में उसको ठंगर बोलते हैं, तो हम उसको घेरते हैं और फिर हम उनमें ना, जैसे टहनी जाती है ना ऊपर को, उस पर टहनी रस्सी वो लगा के उसको पेड़ में डालेंगे, लौकी के पेड़ को। मैं आपको दिखाती हूँ लौकी का पेड़। हेलो तनिष, हाय बोलो। सबको मेरा प्यारा बोलो। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा खीरा का पेड़, जो इसमें आ चुका है फूल। और ये है हमारी लौकी की पेड़, ये इस पे भी आ चुके हैं फूल, पर इसके लिए हमने वो घटाई नहीं है ना, खम्बे टाइप के लकड़ी के खंभे घेटेंगे हम यहाँ पे, फिर जाके वो पेड़ उसमें जाएगा। और ये देखो, ये है हमारा गेठी का पेड़, जो कि सर्दियों में इसकी सब्ज़ी खाई जाती है, वो भी बहुत गर्म होती है इसकी सब्ज़ी। ये उसका पेड़ है। ये है टमाटर का पेड़, जो कि इसमें टमाटर लग चुके हैं, देखो छोटे छोटे टमाटर लग चुके हैं, मैंने लगा रखा है इस बाल्टी में। ये यहाँ पर पपीता का पेड़ कोई भी बर्तन बेकार नहीं गया है, कोई भी बर्तन फूट गया तो मैंने उसमें फूल पौधे लगा रखे हैं ये। और मेरे छोटे छोटे बीन्स भी बहुत, मैंने दो चार तीन चार बार सब्जी खा चुकी हूँ इनकी। ये देखो यहाँ पे बीन्स और मूली भी हो रखे हैं, देखो मूली भी अच्छी अच्छी लगी है इनमें। यहाँ पे मैंने पकड़ लिया है सब्बल, अब खड्डे खोदने की तैयारी हो रही है ना, जिससे हम पेड़ को उस खड्डे में डाल सके। और लौकी के पेड़ों के लिए ना टहनी जाएगी उस पेड़ में। ये देखो खड्डा खोद चुकी हूँ मैं, अब ये अब डाल दिया मैंने पेड़ की टहनी उसमें। ये देखो, ये अब मैं इसको पूरा पत्थर और मिट्टी मिट्टी से वो करूँगी ना। ये देखो संबल उठा के, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लास्ट तक देखना और लाइक शेयर और मुझे सपोर्ट करना। क्या करेंगे रे? ये देखो तन्नू आ गए यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ। तन्नू टाटा कर, टाटा हाथ। तनु मम्मी के साथ जा, मम्मी साथ जा। हेलो दीदी बोलो। मौजों की
हमारे लग चुके हैं ठांगड़, अब इसमें जाएंगे पेड़। आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।